तो उसने पलट के कह दिया, बहन की शादी नहीं तो क्या हुआ, बड़े भाई का शो तो है। ऐसा नहीं कि पिघलना नहीं, पिघलना है, वो हर बार आ जाता है वापस, वो हर बार और बेटर, वो अपना चैनल खड़ा किया, वो लाइक राइट नाउ ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री। इसके अंदर वो ऐसे कुछ अपने बाल ऐसे कर रही है और वो साइड में देख रही है, शाहरुख हैप्पी बर्थडे शाहरुख ऐसे इंस्टा पे भी है हमारे, देखिएगा, बार 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 जो है वो आगे आगे बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। कोई एक ऐसी एक खास क्वालिटी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन में होना जरूरी है, सेंस ऑफ टाइमिंग होना चाहिए कि पॉज कब लेना है, लाइन कब बोलनी है। स्टेज पे हुई कोई ऐसी बात जो आप जिसको आप अपना एक एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस मानते हैं? एम्बैरेसिंग नहीं, एक बड़ा क्यूट एक्सपीरियंस है मेरा जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार एक कॉलेज शो में कर रहा था और वहाँ पे एक लड़के, यूजुअली जब आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसको जवाब देते हो ना, एक बार एक कॉलेज शो में एक बार मैं किसी ने कुछ कलर वलर के बारे में बोल दिया, तो हमने बोला कि अरे तुम भीड़ में हो, हम स्टेज पे हैं, तो वो बड़ा ऐसा, तो इस तरह का होता है, आप बैंटर होते हैं इसके अंदर, आप अपर हैंड होता है आपका। पर ये जिस कॉलेज शो की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक लड़का था, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, वो इधर उधर भाग रहा था बेचारा, तो मैंने बोला अरे बैठ जाओ भाई, हम आ गए स्टेज पे, अब हम कर लेंगे ना, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे बहन की शादी है तुम्हारी, है ना। तो उसने पलट के कह दिया, बहन की शादी नहीं तो क्या हुआ, बड़े भाई का शो तो है। तो मैंने बोला यार इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। ऐसा क्या है जो आजकल बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं लेकिन आप वो कभी नहीं करना चाहेंगे? चाहेंगे, मैं सब करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, जो सब लोग कर रहे हो वो मेरे को भी करना है, मेरे से टिकटॉक हुआ नहीं वरना मैं करता, ठीक है, मेरे से होता नहीं है बहुत सारा, मन मेरा सब करने का। आपके करियर में कोई ऐसा खास मकाम जो आप बहुत ज्यादा अहम है आपके लिए? नहीं, मैं कोई नंबर, मैं माय माय बिलीफ इज दैट नेवर पुट नंबर्स टू योर सक्सेस, ऑलवेज पुट फीलिंग्स। तो मुझे कोई ऐसे मकाम की तलाश नहीं है, मैं बस ये कि मुझे तो मेरे इंट्रोडक्शन में भी जब कोई मुझे बोलता है कि इंडिया बिगेस्ट कॉमेडियन फलाना ढिमका, तो मैंने वो सब हटवा दिया, वो सब डिलीट करवा दिया अपने उससे, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो लोग ये कहें कि हिंदुस्तान का सबसे सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला कॉमेडियन, क्या मोस्ट लव्ड बात, कॉमेडियन ऑफ द कंट्री में बनना चाहता हूँ, तो वही मेरा क्या मकाम बात। है जिसमें तलाश। जाकिर क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे कि सख्त लौंडा पिघल जाए? हाँ, मेरा सामान है कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कभी ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पे पिघले, तो जहाँ सही आज की मोहब्बत मिलेगी, जहाँ सही आज का अपनापन मिलेगा, वहां पे क्यों नहीं पिघलेगा। हर सख्त लौंडे के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पिघलना नहीं, पिघलना है ना, फालतू लोगों के लिए नहीं पिघलना, अननेसेसरीली हर जगह नहीं ऐसे बहते फिरना, ठीक है। अगर इन फॉलोइंग लोगों से अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वरुण ग्रोवर से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यार वो इतना अच्छा फिक्शन कैसे लिखते हैं यार, बहुत अच्छे, उनका राइटिंग का हाथ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद। तन्मय भट्ट से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यार वो कैसे कैसे हारेगा, वो आदमी कैसे हारेगा, वो हारता ही नहीं यार, वो थकता ही नहीं, अश्वत्थामा है वो हर बार आ जाता है वापस, वो हर बार और बेटर, वो अपना चैनल खड़ा किया, वो लाइक राइट नाउ ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द कंट्री, ठीक है, वो इतना, और उनकी हर बार वो ही इज लाइक फीनिक्स, एवरी टाइम ही कैन राइज फ्रॉम एशेस। शाहरुख खान के बारे में आप अगर सवाल पूछना है शाहरुख खान से? नहीं यार मैं उनसे बोल रहे यार 5 मिनट मिलेंगे क्या, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट बात कर लो उनसे ये कहना है मुझे उनको, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, मेरे को बहुत अम्यूज रहता हूँ मैं उनसे, मैं उनके बर्थडे पे, मैं उनके घर के बाहर हैप्पी बर्थडे शाहरुख चिल्ला के आया था, दो साल पहले की, अभी ऑटो से निकलते हुए हमने ऐसे वीडियो बनाया कि शाहरुख हैप्पी बर्थडे शाहरुख ऐसे इंस्टा पे भी है हमारे, देखिएगा, ठीक है, तो पिछले से पिछले बर्थडे। ऐश्वर्या राय बच्चन से अगर आप सवाल पूछना चाहें तो? मैं मुझे उनसे पूछना है कि वो कैसे इतनी मतलब अब तक वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से एक उनका एक बड़ा एक पोस्टर होता था बचपन में जो हमने देखा था, इसके अंदर वो ऐसे कुछ अपने बाल ऐसे कर रही हैं और वो साइड में देख रही हैं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, सूट में है वो पोस्टर, रिक्शाओं में बहुत यूज होता था वो रिक्शाओं में बहुत लगता था ऐसे साइड में, ठीक है ना, तो वो, और आज भी जब आप उनको देखते हो तो एक एक सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रेस उन्होंने हमेशा मेंटेन किया अपने जिंदगी में, चाहे उनके जैसा भी जो भी चला हो, है ना, ऊपर नीचे जैसा भी रहा, अच्छा बुरा सही गलत सब तरह का उन्होंने देखा है, पर उन्होंने अपनी लाइन से ग्रेस नहीं गिरने दिया, उन्होंने हमेशा उसको बहुत एक 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 एक, एक लेवल पे मेंटेन किया। और अगर आप उनसे, आपकी मुलाकात उनसे हो तो वो इतना ज्यादा सिंपल है कि आपको हैरत होती है, बिकॉज आपका एक वाह, पर्सोना उनके लिए है और आप मुलाकात होती है तो शी मेक्स यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल, व्हिच इज अमेजिंग। ओके, यस और नो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जाकिर।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टेज पे आप डायलॉग भूल गए हो और फिर वहां अपने मन में जो आया वो बोल दिया? भाई मैं डायलॉग लेके नहीं जाता, मैं मन में जो आया वही बोलता हूँ। क्या कभी आपको शो करते हुए किसी ऑडियंस में बैठे हुए किसी इंसान पे गुस्सा आया? हाँ एक बार एक शख्स पे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वो 4 महीने पहले कहीं और मेरा शो देख गए थे, और जब मैं उनके शहर गया शो देखने, तो वो बार 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 जो है वो आगे आगे बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। पर मैं कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि मुझे पता था कि 4 महीने में शो तो बदल चुका है, तो ये आधे घंटे ही 1 घंटे ही कर पाएंगे। शो दो ढाई घंटे के होते हैं, मेरे शो लंबे होते हैं थोड़े, तो थोड़ी देर बाद उनको चुप होना पड़ा। पर हाँ उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि स्टेज पे मुझे गुस्सा आता है, आ सकता है। आपने कोई बॉलीवुड का कोई फिल्म ऑफर आपने रिसीव किया है? हाँ मतलब ऐसे फोन वोन थोड़े बहुत आते हैं, पर मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्टिंग में, और मेरे को हीरो बनने में भी कोई इतनी दिलचस्पी नहीं। तो जो वर्सोवा में बड़ी ब्लास्फीमस बात लगती है, ठीक है, उनको ऐसा सोच क्या, अरे मतलब, मैंने कहा हाँ नहीं करना, नहीं मरने कहता, अरे अरे मतलब फलानी हीरोइन है और धिमका प्रोजेक्ट है और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ नहीं करना, तो बस मन नहीं है ऐसा कोई। मैं अपना लिख के कुछ कर लेंगे वो अलग बात है, पर इतना इंटरेस्ट ही नहीं है मतलब वो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके एंड जाकिर, मेरी एक एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी आप मुझे अगर कोई अपनी नज्म अगर आप सुना सकें प्लीज। कहा है कि बड़ी सिंपल है कि बताने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है, बताने दोगी क्या, कि बताने की बात नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, वाह बताने की बात नहीं है बताने दोगी क्या, इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या, तुम तितली तुम पहाड़ तुम आसमान हो मेरा, कि तुम तितली तुम पहाड़ तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, एक बार लगाने दोगी क्या, वाह बताने की बात तो नहीं, बताने दोगी।